तो अब आया मैं जिम को सुबह के 6 बज रहे। और जो है सो चलो कर लेंगे वर्कआउट करके, तो जाना क्या है अभी मालूम ना कहाँ जाना है। ऊपर डाला देखो वीडियो के टाइटल। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो अब जा रहा हूँ मैं घर को, लेट हो गया जी से मेरे को। अब रास्ते में ही छूँ मैं, आप लोगों से रुका मैं बात करने, आज जाना है ना टूर पे, लेट हो रहा, गाड़ी भी ऑन है यार। चलो राइट, तो आ गए हमारी गैंग पूरी, अब हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट से पीछे, काफी चाले पूरी हमारी गैंग है भाई, कॉलेज की गैंग है। हमारे अजहर भाई देखो पीछा है, ये हमारे अजहर भाई है, देखे ना आप लोग जा रहे हैं, हम ना रास्ते में है, अभी लगेंगे एक और 2 घंटे जाने के लिए, तो मिलेंगे हम भाई। घटकेसर पे है और ये हमारे मार्केटिंग सर है, मार्केटिंग टू वरंगल। एक स्टॉप पे उतरे रास्ते में हमारे एक डब्बा है, यहाँ चाय पीने रुके हम लगा भी। अदर भाई देखो भाई, अस्सलाम वालेकुम, चिकलेटा मार ले रहे हो माइक दो नहीं। चलो अभी चाय पी हम लोग, यहाँ चिंगम खा रहे। ये हमारा अजहर भाई है, इनका नया चैनल है फिटनेस एक्सपर्ट, जाके बॉडी बॉडी बता तो का लेता किराक बॉडी बताते, तब यहाँ एक 5 फीट के बाद निकलने का है अपने को, यहाँ से सीधा वरंगल को अभी सीधा सीधा जब वहाँ जाके खाली लेफ्ट लेके राइट लेके एक ही रोड, लेफ्ट लेके राइट लेके ऐसे रहता है मेरा चैनल। अरे कांजा रे मिया, अरे कांजा रे रुको। अरे हमारे इमरान भाई है, फर्स्ट ईयर के हैं अपने, इनका कौन सा भी चैनल नहीं है, कौन सा भी सब्सक्राइब नहीं होगा। चलो राइट, मिलेंगे बाद में।
हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल। तो अब हम लोग को क्या करें वो तो एक सेमिनार हॉल में बिठाए। देखो ले रहे ले रहे। तो अब ये सेमिनार हॉल में क्या बोलते क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में। సాధించవచ్చు అన్న నమ్మకాన్ని కలిగించి మా జీవితాన్ని మార్చే ఒక గొప్ప ఆలోచన చేశారు శ్రీ సోనాథ్ రెడ్డి గారు. 1926లో మల్కనూరు గ్రామంలో పుట్టిన శ్రీ అల్గిరెడ్డి కాశీ విశ్వనాథ్ రెడ్డి వరంగల్ లో ప్రాథమిక విద్య పూర్తి చేసి హైదరాబాద్ లోని ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చదువుతూ స్వాతంత్ర్య పోరాటం పట్ల ఆకర్షితులై ఉద్యమంలో చేరారు. స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత స్వగ్రామంలో స్థిరపడ్డ విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారిలో దేశానికి సేవ చేయాలన్న ఉత్సాహం చదవలేదు. అదే సమయంలో తన గ్రామంలో నిరాశ నిస్పృహల్లో ఉన్న రైతన్నులను చూసి ఆయన మనసు చెలించిపోయింది. ఏదో చేయాలన్న తపన ఆయన్ను నిలువనీయలేదు. సరిగ్గా అప్పుడు అంకురించిన ఆలోచన నిజమే ఇప్పుడు ముల్కనూరు సహకార గ్రామీణ బ్యాంకు గా రూపుదాల్చు. రైతే రాజధానికి వినాలంలో దాని మా యొక్క సంఘంలో పుట్టించడం జరిగింది. ఆ విధమే రైతులకు కూడా సహకారం అందించడం కానీ వారిని నూతన స్థాయిలో పోగొట్టడం కానీ వారికి పూర్తి స్థాయిలో అన్ని స్థాయి మాడంకి సహకార బ్యాంకులో వారికి అందజేసింది. 56లో మా యొక్క సంఘం స్థాపించిన సందర్భంలో 300 మొదలు పెట్టుకుని ఈ రోజు దాదాపు 7500 సంఘలతో దాదాపు 185 కొట్టుకొని हम यहाँ क्या सीखे बोले तो सर श्री ए के विश्वनाथ रेड्डी जो है ये इन्होंने एक बैंक खोला था जिसका नाम है मुल्कनूर कोऑपरेटिव रूरल बैंक। तो ये बैंक हर एक तरीके से जो फार्मर्स है उसको हेल्प करती है और जो सो हर एक चीज़ पे इंश्योरेंस जैसे एनिमल्स पे इंश्योरेंस देती है थोड़ा जोर से बोल और जो है सो हर एक चीज़ में काम में आती है ये बैंक। सिर्फ ये कितने 14 विलेजेस तो ये 14 विलेजेस को ये बैंक जो है सो हेल्प करती है सपोर्ट करती है और जो है सो 50 ईयर्स हो रहे ये बैंक को 60 ईयर्स हो रहे ये बैंक बन के। तो अपन यहाँ एक स्टैचू देख सकते हैं आइए पूरा डेयरी फार्म मेरे बच्चे अभी अपन आ गए वरंगल को।
आप देख सकते हैं वरंगल के लोग यहाँ कैसे हैं, यहाँ के देखो आप देख सकते हैं भाई। वाओ, अपन आ गए वरंगल में, अपन जा रहे हैं नेक्स्ट पहला स्टॉप है अपना गाँव है पहला जाएगी पहला शॉप, लेकिन वहाँ जाके मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अब अपन लगा फुल घूमे, देखो अब जा रहे हैं अपन फिर हैदराबाद को वापस। ये वरंगल 1000 पिलर टेम्पल है, ये सब घूम लिया हम लोग, अब हम लोग जा रहे। चलो बाय बोल रहे, सब बाय बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।